हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज और बॉन्ड ऑर्डर, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट केस। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यदि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और यदि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। HF, HCl, HBr, HI। अब ये सारे के सारे हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड है। अब जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो भी कम होगा, तो HF में आएगा मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और HI में आएगा लेस डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी HI की, फिर HBr, फिर HCl, और सबसे कम होगी HF की, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत अधिक आ रहा है। अब यहाँ पे भी लेस डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है। और यहाँ पर आएगा मोर डिफरेंस अब अपन देखते हैं केस सेकंड। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और यदि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे आ रहा मोर बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे आ रहा लेस बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की। ऐसे ही यहाँ पर भी अब अपन देखते हैं केस थर्ड।
बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब यदि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, और यदि एटॉमिक साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। अब यहाँ पे कार्बन का स्मॉल एटॉमिक साइज, और यहाँ पे SN का मोर एटॉमिक साइज। अब जिसका एटॉमिक साइज अधिक होगा उसी की बॉन्ड लेंथ भी अधिक होगी।